हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब? कल हमने गुजराती में आगे के और चार मूलाक्षर सीखे थे ना, उसका आज हम क्या देखेंगे? पीडीएफ देखेंगे, होमवर्क देखेंगे, ठीक है ना? तो जैसे आपको हर बार स्टार्टिंग से जहाँ तक सीखा है वहाँ तक होमवर्क मिलता है, वैसे ही लिखेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? क ख ग घ, है ना? जितने पेज दे रहे हैं उतने पूरे आपको कंप्लीट करने हैं, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे सिखाएंगे वैसे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? क ख ग घ के बाद में क्या आता है? च छ ज झ, ये क्या है? आपका होमवर्क है, ठीक है ना? और इसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या लिखे थे? ट ठ ड ढ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ट ठ ड ढ, ठीक है? यहाँ तक हमने लास्ट टाइम करा था ना। अब कल हमने क्या सीखा था? इसके आगे के और फोर लेटर सीखे थे। कौन कौन से सीखे थे देखो? अण त थ द, आया ना समझ में? ये सिर्फ दो लाइंस के बीच में ही आपका गुजराती का वर्ड कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो ये कितने पेज हो गए आपके? फोर पेज हो गए होमवर्क के, ठीक है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना अपना, आपका होमवर्क इसमें बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये न्यू सब्जेक्ट है, तो आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक है ना? तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, मेरे साथ साथ में आप लोगों को रिपीट करना है, ठीक है ना? देखो ये क्या है? क कमणु क ख खटारानु ख ग गणपतिनु ग घ घरनु घ, आया समझ में? अब पेश टर्न करेंगे। च चकलीनु छ छ छत्रीनु छ ज जमरूपनु झ झ झबलानु झ, ठीक है? उसके बाद क्या सीखा था हमने लास्ट सैटरडे को? ट टपालीनु ट ठड़िया नु ढ ड डमरू नु ढ और ढ ढक्कन नु ढ, ठीक है? अब हमने कल क्या सीखा था इसमें? अण फैन नु ण त तलवार नु त थर नु थ और द दवा नु द, आया समझ में? ये फोर पेजेस आपको होमवर्क के कंप्लीट कर लेने हैं और खुद से लिखना है, किसी की भी हेल्प आपको नहीं लेनी है। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।